तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप सीमेंट खरीदने जाने वाले हो शॉप पे, तो उस सीमेंट को खरीदने से पहले आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको चेक करनी पड़ेगी, तब जाके आपको पता चलेगा कि जो बैग आपको मिलने वाला है वो ओरिजिनल है, वो सही है, और अगर उससे आप कंस्ट्रक्शन करवाते हो तो आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इसको अगर देख लोगे तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि जब भी हम लोग सीमेंट मार्केट खरीदने जाएंगे तो हमको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियोस अगर आप रेगुलर चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एवरीडे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन लाता हूं, साथ में सिविल इंजीनियरिंग की जो वीडियोस होती है साइट रिलेटेड वो भी लाता रहता हूं आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो चेक करना है वो मैन्युफैक्चरर्स नेम चेक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे मैं किसी भी प्रोडक्ट्स का यहाँ पे मैं कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट ये पिक मैं एक पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ, एडुकेशनल पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ, तो इसको कोई आप मीन मत कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कंपनी का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और कंपनी का नाम जो है वो सही से प्रिंट होना चाहिए, स्पेलिंग को परफेक्ट देख लीजिएगा। आप लोग देखोगे कि अगर हम लोग कहीं भी जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने जाते हैं, जैसे हम लोग एडिडास का हम लोग जूता खरीदने जा रहे हैं, तो ADDIDAS भी रहता है और ADIDAS भी रहता है, तो अंतर वहीं से पता चल जाएगा आपको। तो स्पेलिंग का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो कोई भी सीमेंट अगर आप खरीदते हो, तो अगर मान लीजिए आप अंबुजा खरीद रहे हो, मान लीजिए आप अल्ट्राटेक का खरीद रहे हो, तो स्पेलिंग मैटर करता है, परफेक्ट स्पेलिंग आपका होना चाहिए, और उस कंपनी का जो ट्रेडमार्क है वो भी आपको परफेक्ट ध्यान रखना होगा कि सही तरीके से उस पर प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो बड़ी कंपनीज होती है वो इन चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है। तो सबसे पहला हो गया आपका मैन्युफैक्चरर्स का ट्रेडमार्क और उनकी कंपनी का नेम। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है वो है ISI मार्क, ठीक है। सीमेंट बैग्स पे ISI मार्क्स प्रिंटेड होना ही चाहिए, तब जाके आपको पता चलता है कि उस सीमेंट को बनाने के लिए, उस सीमेंट को पैक करने के लिए ISI का जो स्पेसिफिकेशन है उसको 100% माना गया है, और उसके अकॉर्डिंग ही उसको पैक किया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको बनाया गया है। तो ISI मार्क वहां से मिस है तो उस सीमेंट को आप कभी नहीं खरीदिएगा, इसको आप जरूर चेक कीजिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको यहाँ पे चेक करना है वो है सीमेंट का ग्रेड और उसका टाइप। ग्रेड से आप देख सकते हो कि आप देखोगे 53 ग्रेड, 43 ग्रेड, 33 ग्रेड, OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, देखिएगा ये लिखा हुआ रहता है 53 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, 43 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, 33 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो जिस भी ग्रेड का आप सीमेंट ले रहे हो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये ग्रेड पे प्रॉपरली मेंशन किया हुआ हो। अगर आप PPC ले रहे हो, पोर्टलैंड पजलोना सीमेंट, तो वो भी वहां पे मेंशन होना चाहिए, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो ग्रेड ऑफ सीमेंट और टाइप ऑफ सीमेंट भी प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए सीमेंट बैग पे, अगर ये नहीं है तो आप उस सीमेंट को मत लेना कभी। और अगर आप लोग जानना चाहते हो कि OPC सीमेंट और PPC सीमेंट में क्या अंतर होता है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहां पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने इन डेप्थ नॉलेज में आप लोग को समझाया है, पूरे डिटेल में समझाया है कि कौन सा बेस्ट है आप लोग के लिए, किसमें क्या डिफरेंसेस होती है, किसको कहां पर यूज करना है, वो सारा उस वीडियो में मैंने बताया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो सीमेंट का बैग है उस पर उसका क्वांटिटी, उस पर उसका वेट जरूर मेंशन किया हुआ हो। अगर वो 25 kg का बैग है तो 25 kg, अगर वो 50 kg का बैग है तो 50 kg। ऑल ओवर इंडिया में जनरली आप लोग देखोगे तो 50 kg का बैग ही हम लोग अपने साइड पे यूज करते हैं, लेकिन बहुत जगह पे 25 kg का भी बैग मिलता है। तो खैर, जो भी हो, जो भी वेट आप ले रहे हो वो प्रॉपरली देख लीजिएगा कि उसमें मेंशन किया हुआ हो, तो ही आप उसको लीजिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको ध्यान रखनी है, मार्केट से जब भी आप कोई सीमेंट का बैग खरीदोगे तो ब्रांडेड सीमेंट ही लीजिएगा, ये नहीं कि मार्केट में कोई भी नया सीमेंट आया है तो आप जाके खरीद लो, क्योंकि उस सीमेंट को आप यूज करोगे अपने सपनों का घर बनाने के लिए। तो कहीं से भी अगर 10 रुपया का अंतर होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो 10-15 का जो अंतर होगा उसके लिए आप कोई भी एक लोकल ब्रांड का सीमेंट खरीद लोगे और उसे अपने घर के बनाओगे, तो वो घर कैसा बनेगा आप समझ सकते हो। इंस्टेंट आपको कोई भी फेलियर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वक्त के साथ आप उसके ड्यूरेबिलिटी के साथ खेल रहे हो, वो जो उसका लाइफ स्पैन रहेगा वो घट के कहीं ना कहीं कम आ जाएगा। तो ब्रांडेड सीमेंट ही लीजिएगा, 10 रुपया ज्यादा इन्वेस्ट कीजिएगा, लेकिन ब्रांड जरूर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग मुझसे पूछना चाहोगे कि ब्रांड अभी सीमेंट कौन सा है, तो ब्रांडेड सीमेंट की अगर बात करें तो देख लीजिए अल्ट्राटेक का अच्छा है जो हम लोग साइड पे यूज करते हैं, अंबुजा का सीमेंट अच्छा होता है, ठीक है, लफार्ज का आप लोग ले सकते हो, बिरला का अच्छा आता है, तो अल्ट्राटेक और अंबुजा ये बेस्ट चॉइस मुझे जैसा लगता है। अल्ट्राटेक तो आप ले सकते हो, आंख बंद करके यूज कर सकते हो, बहुत अच्छी क्वालिटी भी रहती है। ACC भी आता है, लेकिन इन लोग को बाद में प्रेफरेंस दूंगा, अल्ट्राटेक अंबुजा ये सब अच्छा है। फिर नेक्स्ट जो छोटा सा एक पॉइंट आपको ध्यान देना है कि सीमेंट बैग पे जो प्राइस है वो मेंशन जरूर
जरूर किया हुआ रहे, क्योंकि बहुत सारे जो रिटेलर रहते हैं वो क्या करते हैं कि आपको हाई प्राइसेस में दे देते हैं, बहुत सारे बैग पे सीमेंट का प्राइसिंग मेंशन नहीं रहता है, तो ऐसा चीज नहीं लेना है। देख लीजिएगा वहां पे जो एमआरपी है वो वहां पे जरूर फिक्स किया हुआ रहे। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आपको ध्यान देनी है यहाँ पे वो है डू नॉट अप्लाई हुक्स का, ठीक है। देखिएगा एक हसुआ जिसको हम लोग बोलते हैं अपने हिसाब में, अपने भाषा में, वो हसुआ का साइन रहेगा, उसको क्रॉस करके दिया हुआ रहेगा, ठीक है। जिसका मतलब है कि आप उस सीमेंट बैग पे कोई भी हुक अप्लाई नहीं कर सकते। जब हम लोग सीमेंट खरीदने जाते हैं किसी भी कंपनी में, तो वहां पे अगर हुक मारा हुआ रहेगा तो वो पूरा लॉट हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। हुक मार ही नहीं सकते हो, क्योंकि अगर हुक मार दिए उसके अंदर एयर का पास हो गया, उसके अंदर कहीं से मॉइस्चर कंटेंट अगर घुस गया तो उसका हाइड्रेशन प्रोसेस जो है वो चालू हो जाएगा, जमना चालू हो जाएगा, वो आपको वो स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा जो आपको देना चाहिए। तो हुक एकदम अलाउ नहीं होता है, और ये चीज मेंशन किया हुआ रहता है हमारे सीमेंट के बैग पे कि डू नॉट अलाउ हुक करके, ठीक है। वो देखिएगा एक स्क्वायर टाइप के बॉक्स में एक रहता है सिंबल, वो देख के आप समझ जाइएगा जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये भी देखिएगा प्रॉपर उस सीमेंट बैग पे मेंशन किया हुआ हो। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मुझे बहुत पहले बताना चाहिए था आप लोग को। वो क्या है कि एक सीमेंट का जो एक्सपायरी डेट होता है वो कब है, ठीक है। तो देखिए सीमेंट पे कभी भी आपका एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं किया रहता है, सीमेंट पे ये मैन्युफैक्चरिंग किया रहता है कि वो सीमेंट बना कब है, ठीक है, और एग्जैक्ट डेट मेंशन नहीं रहता है। लेकिन हाँ, अभी जो कुछ सीमेंट बन के आ रही है, बहुत सारी कंपनी क्या कर रही है, एग्जैक्ट डेट दे देती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम अगर आप देखोगे तो सीमेंट पे एग्जैक्ट डेट मेंशन नहीं रहता, वीक वाइज, मंथ वाइज और ईयर वाइज मेंशन रहता है, और वो भी कोड में रहता है। तो अगर आपको सीमेंट पे कोड चेक करना नहीं आता है कि सीमेंट के एक्सपायरी डेट को हम लोग कैसे चेक करें, तो इस पे ही मैंने एक वीडियो बनाया था पूरे डिटेल में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ही डाला हुआ है, इस वीडियो को देख लीजिए, जाकर उसको देख लीजिएगा, जिससे आपको पता चल पाया कि हाँ अगर ये सीमेंट बना है, आप जो सीमेंट ले रहे हो ये बना कब है, ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग जब हुआ है तब से 3 महीने के अंदर ही आप उस सीमेंट को यूज कर सकते हो, 3 महीने से ज्यादा अगर पुराना सीमेंट हो चुका है तो उसको यूज नहीं करना चाहिए। तो एक सीमेंट पे उस सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग डेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो चेक करना आपको आना चाहिए। तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मैंने डाल दिया जो मैं बनाया था, वो आप जरूर देखिएगा। और सीमेंट का समय के साथ साथ क्या होता है कि स्ट्रेंथ घटता चला जाता है, तो कितना घट जाता है समझ में आ गया। अगर 3 महीना हो गया तो कितना स्ट्रेंथ घट गया, 2 महीना हो गया तो कितना स्ट्रेंथ घट गया, 4 महीना हो गया तो कितना स्ट्रेंथ घट गया, ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। तो उस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में बता दिया था कि इतना महीना हो जाएगा तो इतना स्ट्रेंथ उस सीमेंट का चला गया। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर 3 महीना एक सीमेंट का चला गया है तो आपको वो सीमेंट यूज नहीं करना चाहिए, ये समझ के रख लीजिए, ठीक है। 1 महीना 2 महीना पुराना है तो सीमेंट को आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको यहाँ पे चेक करना है वो क्या है कि सीमेंट के बैग पे उनके मैन्युफैक्चरर जो हैं, मान लीजिए अल्ट्राटेक का है, ठीक है, तो उसका एड्रेस वहां पे प्रिंट जरूर होना चाहिए अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, ताकि आप वहां पे कांटेक्ट कर पाओ, ठीक है। मैं एज अ अगर आप अपना घर बनाना चाहते हो पर्सनली तो मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप कहीं के रिसेलर भी हो, अगर आपका दुकान है खुद का, तो भी मैं ये वीडियो बना रहा हूं, सबके लिए बना रहा हूं, सिर्फ ये नहीं कि अगर कोई अपना घर बनाना चाहता है तो उन लोग के लिए बना रहा हूं। तो आप लोग को पता होना चाहिए, उस सीमेंट बैग पर देख लीजिएगा कि एड्रेस प्रॉपरली प्रिंटेड हो मैन्युफैक्चरर्स का। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि हर सीमेंट बैग किसी ना किसी IS कोड को मान के बनाया जाता है, किसी ना किसी इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, उसके स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग उसको बनाया जाता है, चाहे वो IS स्पेसिफिकेशन हो गया या BIS स्पेसिफिकेशन हो गया, जो भी स्पेसिफिकेशन वो मेंशन किया हुआ होना चाहिए, जैसे IS 12269 हो गया, इसी तरीके से जिस IS कोड को मान के उस सीमेंट को बनाया गया है ना, वो IS कोड जरूर वहां पे मेंशन किया हुआ रहेगा, ये आप जरूर देखिएगा। अगर ये नहीं है तो भी आपको सीमेंट नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बेसिकली ये 10 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे जो आपको पता होना चाहिए अगर आप कहीं पे सीमेंट खरीदने जाना चाहते हो, तो इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। अगर आपके फ्रेंड्स कोई हैं या कोई भी रिलेटिव है जो सीमेंट खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो उन तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उन लोग को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हेल्प जरूर मिल जाए। और डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से सीमेंट का एक्सपायरी डेट चेक करना आप सीख जाओगे, साथ में OPC PPC के बीच में क्या डिफरेंसेस होती है वो भी आप समझ जाओगे कि क्या होता है, ठीक है। बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ है उस वीडियो पे, अगर आप देखते हो तो आपको भी वहां से हेल्प जरूर मिलेगा, मेरा भरोसा है ऐसा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एवरीडे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकल वीडियोस लाता रहता हूं, साथ में जॉब रिलेटेड वीडियोस भी लाता हूं, चाहे वो प्राइवेट का हो गया या गवर्नमेंट जॉब का हो गया। तो अगर आप लोग चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन लेके आऊंगा, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।